आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। बरमसिया तालाब घोटाला मामले पर फंस सकते हैं विधायक नलिन चोरेन। विधानसभा क्षेत्र के विधायक नलिन चोरेन का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने एक जनसभा के दौरान विधायक नलिन चोरेन की ओर से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बरमसिया में तालाब घोटाले में आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है कि बरमसिया गोपालपुर में तालाब जिसका जीर्णोद्धार के लिए नलिन चोरेन ने एमएलए फंड से हर साल एक ही तालाब निर्माण के पैसे निकले हैं, हम चुनाव के बाद इसकी जांच कराएंगे, इस पर एफआईआर होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तहत एक आरटीआई याचिका दायर की जाएगी कि 7 लाख रुपए बांटी गई है, जिसमें से जब उनसे पूछा गया कि लगातार 30 वर्षों से शिकारी पीड़ा विधानसभा से जीत हासिल करती चली आ रही है लेकिन विकास के मामले में सिर्फ आश्वासन गरीबों को मिला है। दुमका रामपुराहट के बीच एक भी अस्पताल आपको ढंग से नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बंगाल ले जाना पड़ता है। नलिन चोरेन गरीब आदिवासी को दारू और पैसा का लालच देकर वोट ले लेते हैं। बिजली पानी स्कूल अस्पताल के नाम पर गरीबों को वंचित रखने का काम नलिन चोरेन कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, हम चुनाव के बाद इसकी जांच कराएंगे, इस पर एफआईआर भी की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तहत इस पर एक रिट याचिका दायर की जाएगी कि 60 लाख रुपया बंदर बांट की गई है। लगातार 30 वर्षों से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनता इसको स्वीकार करती आ रही है, जबकि इस बार आपका क्या उम्मीद है सर? देखिए, इसको ज़्यादातर आदिवासी लोग और मुसलमान भाई बहन लोग वोट देते रहे, लेकिन मैं इस बार कई मुसलमान गांवों में भी गया हूं, लगभग आदिवासी गांव में तो सब तक सब जगह गया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं और उनको बताया गया कि नलिन सोरेन जब जीतते हैं आपके बीच क्या देते हैं, तो सभी आदिवासी तो बोले हाणिया, दारू, चखना, मांस भात, रुपया और फुटबॉल जर्सी। तो हमने उन लोगों से पूछा कि क्या बूढ़ा बूढ़ी विधवा के लिए पेंशन नहीं, राशन कार्ड नहीं, इंदिरा आवास योजना नहीं, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी रोजगार नहीं, पानी बिजली रोड रास्ता स्कूल अस्पताल कुछ नहीं। तो इस बार उन लोगों ने भी मन बनाया है, यदि वो यही सब देंगे तो हम लोग खा पी लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, इस बार आपको एक बार मौका देंगे। मैंने भी कहा आपको वही सब पसंद आए, खुश हैं तो रहिए, मरिए, और यदि बदलना चाहते हैं तो हमको एक बार आप लोग जिताइए। एमएलए को हर साल 4 करोड़ रुपया मिलता है, मैं शिकारीपाड़ा में एक बड़ा हॉस्पिटल और एक बड़ा कॉलेज बनाने में पूरा उस पैसे को खर्च करूंगा, पैसा कम पड़ेगा तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मंगाएंगे, तब भी इस शिकारीपाड़ा में एक अच्छा हॉस्पिटल बनना ज़रूरी है, एक अच्छी कॉलेज को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग जब बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो कोई ले जाता है सिवड़ी, कोई बर्धमान, कोई रामपुर हाट, अर्थात 40 साल से शिबू सोरेन साहब यहाँ एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, हॉस्पिटल नहीं बनाया। नलिन सोरेन 30 साल से यहाँ एमएलए मंत्री बने, हॉस्पिटल नहीं बनाया, जबकि ये लोग चाहते तो ये हो जाता। तो लोगों के बीच में एक परिवर्तन की इच्छा तो है, लेकिन यही है कि कुछ लोग जो आदिवासियों का भी दलाली करते हैं, मुसलमानों का भी दलाली करते हैं, नलिन सोरेन से लाखों रुपया लेकर वोट खरीदने का काम करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए सर। हमारा नाम सालखन मुर्मू है, हम 2 बार एमपी भी रह चुके हैं और एमकॉम एलएलबी तक पढ़े लिखे हैं, देश विदेश में कई तरह की प्रशिक्षण भी लिया हूं और मुझे बहुत उम्मीद है इस बार शिकारीपाड़ा क्षेत्र में विधानसभा में एक परिवर्तन आएगा।